मगध राज्य का एक राजा था, उसकी पत्नी उषा थी। उन दोनों का कोई संतान नहीं था। उस महल में एक नौकरानी रहती थी, उसका एक बेटा था। राजा उस लड़के को अपना बेटा मानने लगा। नहीं दासी, यह बेटा केवल तुम्हारा नहीं, हमारा भी है। आज से इसका पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है मुनीम जी। क्या आदेश है? आज से इस बच्चे को मैं अपने बच्चे की तरह पालना चाहता हूँ। तुम अभी इस बच्चे का और इस बच्चे के माँ का नए नए वस्त्र, गहने, खाने पीने और रहने का उचित बंदोबस्त कर दो। और ध्यान रखना, इन दोनों को कोई कष्ट ना हो। क्या इतनी बड़ी बात, एक नौकरानी के लड़के के लिए इतना प्यार? ठीक है, सही समय आने दो, फिर मैं बताऊंगी। देखते देखते समय बीत गया और उस दासी का बेटा 20 वर्ष का हो गया। और उस बनिया ने एक दिन, उषा आज से इस लड़के और दासी को तुम देखना। हाँ हाँ, आप निश्चिंत होके विदेश जाइए, मैं अच्छी तरह उन दोनों की देखभाल करूंगी। आज मुझे मौका मिला है, उन दोनों को सबक सिखाऊंगी। आज तेरे पिताजी व्यापार के लिए गए हैं। पता है माँ। अब तुम दोनों भी जाओ। कहाँ? अभी तुम दोनों को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, ये देखो। इस घटने के बाद बनिया अपने घर वापस आ गया। दासी और अपने पुत्र को नहीं देखने से बहुत आश्चर्यचकित हुआ। पत्नी से पूछा, उषा मेरा पुत्र और दासी कहाँ है? नौकरानी एक बड़ी बीमारी के वजह से मर गई और उसी के दुख में तुम्हारा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। उसे बहुत ढूंढा मैंने मगर वो नहीं मिला। ये क्या, अब मैं क्या करूँ? आप एक काम कीजिए, दो बकरियों का बलि देके काली माँ का पूजा कीजिए। हो सके आपका बेटा मिल जाए, इसलिए मैं दो बकरियाँ भी मंगा के रखी हूँ। यह बात तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं कल बलि चढ़ाकर माँ काली को बहुत प्रसन्न करूँगा। ओम ह्रीं चमुंडाय नमः, ओम ह्रीं कलिकाय नमः, ओम ह्रीं चमुंडाय नमः, ओम ह्रीं कलिकाय नमः, ओम ह्रीं चमुंडाय, ओम ह्रीं चमुंडाय नमः, ओम ह्रीं कलिकाय नमः। ओम, अब आप अपने हाथों से इस बकरे की बलि चढ़ाओ। जी पंडित जी। है? ये क्या, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। लग रहा है पूजा में कोई अर्चन आ गया है, आप दूसरी बलि की तैयारी कीजिए पंडित जी। हाँ ठीक बोल रही हो। ओम ह्रीं चमुंडाय नमः, ओम ह्रीं चमुंडाय नमः। अब इस बकरे को अपने हाथों से बलि चढ़ाओ। नहीं नहीं, मैं बलि नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों, क्यों नहीं दे सकते बलि? एक अजीब सी आवाजें आ रही थी। नहीं नहीं, हमसे ये सब नहीं होगा। आप अगर बलि नहीं चढ़ा सकते हैं तो फिर मैं खुद इसकी बलि चढ़ाऊंगी। रुकिए, आप इसका बलि नहीं चढ़ा सकती। कौन हो तुम? मैं पुरोहित की बेटी हूँ। ये बकरी आपका बेटा है और जो दूसरी बकरी थी आपकी नौकरानी थी। आपकी पत्नी अपनी जादुई शक्ति से इन दोनों को बकरी बना दी थी। ए झूठ बोल रही है। अगर तुम यह साबित कर सकती हो तो मैं आधा जायदाद तुम्हें दान दे दूंगा। नहीं, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ आपके बेटे से विवाह करना और इस गुनहगार को सजा देना। ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम अपराधी को जान से नहीं मार सकोगी। ठीक है, नहीं मारूंगी।
पिताजी। बेटा, इस लड़की का बात सच है? हा? कौन सी बात? तुम्हें और तुम्हारी माँ को तुम्हारी सौतेली माँ ने क्या बकरी बना दी थी? हाँ पिताजी, ये बात सच है। झूठ, ये झूठ बात है, सब साजिश है मेरे खिलाफ, मैं मार दूंगी इस लड़के को। इसके बाद की कहानी बहुत ही संक्षिप्त है। पुरोहित की बेटी के साथ बनिए के पुत्र का विवाह हुआ और बनिया सबके साथ सुख शांति से रहने लगा। अच्छा महाराज, बनिए के पारिवारिक मामले में पुरोहित की लड़की का बोलना क्या उचित था? हाँ महाराज, पारिवारिक मामला हो या फिर बाहर का मामला हो, इन सभी मामलों में अन्याय के खिलाफ प्रतिवाद करना उचित है, समझे बैताल? इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर उस पुरोहित की लड़की ने बिल्कुल ठीक किया, समझे? मगध राज्य के राजा बहुत ही धर्म निरपेक्ष हैं। उनके राज्य में प्रजा सुख और शांति से वास करते थे और इधर राज्य में बढ़ गई बहुत परेशानी। यह क्या, यही तो था, यह तो बहुत हैरानी की बात है। हाँ, कहाँ गया कहाँ? चाचा, क्या हो गया? पूरे बाजार में दिन भर में जो सामान बेचकर जो पैसा इकट्ठा किया वो इसी पोटली में रखा, और रखने के बाद मैं घर में हाथ पैर धो रहा था, आकर देखा मेरा पोटली नहीं है। ये क्या, हम लोगों के गांव में चोरी शुरू हो गया क्या? हाँ, चोरी शुरू हो गई पूरे राज्य में। मैंने जो हार दिए थे बनाने के लिए वो क्या बन गया? ये सोनार जब बोल दिया है बन जाएगा तो आपको जरूर मिल जाएगा। क्या बनाना था तुम्हारा? वही एक सोने की हार। हाँ हाँ, सोने की हार, रुको रुक जाओ, दे रहा हूँ। ये क्या हो गया? क्या हुआ, क्या हुआ भाई? मेरे संदूक में तो कुछ भी नहीं है, सब गायब हो गया। चोरी, मेरे दुकान में चोरी हो गई है, कब मेरा पूरा सामान लूट कर ले गया, अब क्या होगा? ये क्या, हमारे राज्य में चोरी, ये तो बहुत दुख की बात है। ठीक है, आज से हमारे राज्य में पहरेदार ठीक से पहरेदारी करेंगे। लेकिन महाराज, इससे तो मेरी चोरी हुई संपत्ति वापस तो नहीं मिलेगी ना? महामंत्री, इस सोनार का जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कर दी जाए। जो आज्ञा महाराज। राजा के आदेश पर पूरे राज्य में पहरेदारी शुरू हो गई। चोर तो नहीं पकड़ाया बल्कि चोरी और ज्यादा बढ़ गई। महाराज, बहुत सर्वनाश हो गया, मैं कल जम्मूद्वीप से बहुत सारे कीमती सामान लेकर आ रहा था और उसमें बहुत सारे अमूल्य रत्न थे, और यहाँ आकर देखा मेरे सारे रत्न चोरी हो गए। 3 पीढ़ियों से जो व्यापार चल रहा था, बहुत सारे अमूल्य रत्न थे, और आज देख रहा हूँ मेरे सारे रत्न चोरी हो गए। महाराज, मेरे घर की कुल देवी की मूर्ति चोरी हो गई। चोरी चोरी चोरी, यह सुन सुन के मेरे कान पक गए, और इतने दिनों से मेरे पहरेदारी कोई खबर तक नहीं लगा पाए। महाराज, हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन चोर बहुत ही चालाक है। आज रात को मैं खुद चोर पकड़ने जाऊंगा, देखता हूँ। अभी तक तो चोर तो दूर की बात, एक चिड़िया तक भी नहीं देख पा रहा हूँ। ओए, कौन है तू? मैं चोर हूँ, पर तुम कौन हो भाई, बताओ। मैं भी चोर हूँ, चोरी करने निकले हो क्या? मैं भी निकला हूँ, चलो दोनों एक साथ ही चलते हैं। ठीक है, चलो। आज बहुत बड़ा हाथ मारे, ये लो तुम्हारा हिस्सा, कल रात यहीं पर मिलना,
दोनों एक साथ ही निकलेंगे, समझ गए? तुम यहीं पे रहते हो क्या? हाँ, जा रहा हूँ। उसके बाद राजा लौट आते हैं महल में, अपने सैनिकों को लेकर चोर के घर पर आक्रमण करता है और शुरू होता है चोर के विरुद्ध लड़ाई। चोर पराजित होता है और सैनिक उसे बंदी बना लेते हैं। क्यों चोर, पहचान पा रहे हो मुझे? ओह, आप महाराज हैं। आप ही कल रात को चोर बनकर आए थे, अपने आप को चोर बताकर मेरे साथ रहे। अच्छी बात है, पहचान लिए मुझे। सुनो, चोरी के अपराध में तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। जल्लाद। आदेश महाराज। इस चोर को पूरे नगर में घुमाओ, उसके बाद इसे सजा दो। जो आज्ञा महाराज। पूरे नगर में जब चोर को घुमाया जाता है, उसी वक्त आती है राजकुमारी सुचंद्रा। वाह, चोर भी इतना सुंदर होता है, ये तो मुझे नहीं पता था। विवाह भी करना होगा तो मैं इसी से करूँगी। ये चोर, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तुम मुझसे प्रेम करती हो, तुम मुझसे प्रेम करती हो, तुम मुझसे प्रेम करती हो। महाराज, उस दिन चोर को नई जिंदगी मिल गई और सुचंद्रा को मनपसंद पर। लेकिन महाराज, सुचंद्रा जब चोर को अपने प्रेम का प्रस्ताव रखी तो एक बार चोर हंस रहा था और फिर रो रहा था, ऐसा क्यों? चोर यह सोचकर हंस रहा था कि उसे मिला अपने जीवन का सबसे बड़ा रत्न, एक नारी का प्रेम, और यह सोचकर रो रहा था कि जो नारी का प्रेम मुझे मिला उसे मैं कभी पा नहीं सकूंगा। कारण यह था कि कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सदियों पहले उत्तर हिमालय चंद्रचूर पहाड़ पर एक राक्षसी निवास करती थी। उसका नाम था प्रचुंडा। उसका एकलौता संतान था। उसकी माँ की ये इच्छा थी कि उसका बेटा जब विवाह के लायक हो जाएगा तब वो एक राजकुमारी से अपने बेटे का विवाह करवाएगी। दक्षिण में एक राज्य था सेतपुर। वहाँ के राजा की एक लौती कन्या रूपमती। राजकन्या रूपमती विवाह लायक हो गई है, अब उनके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहता। मुझे लगता है महाराज, राजकुमारी का स्वयंवर करवाना चाहिए। उधर गुप्तचर के द्वारा राजकुमारी की स्वयंवर के बारे में प्रचंडा भी जान गई। महाराज शतंकर की एक लौती कन्या रूपमती का स्वयंवर की आयोजन शुरू हो गई। राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे पुत्र से ही होगा, चलो चलो मेरे साथ, चलो चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। उसके बाद राजकुमारी को छुड़ाने के लिए अलग अलग राज्य से राजकुमार आए और सेनाओं के साथ चंद्रचूर पर्वत की ओर सब निकल पड़े। ये तो असंभव है। मैं इतना आसानी से हार नहीं मानने वाला। सुनो तुम लोग,
तो सोने का हिरन है। इसे देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो जाएगी। राजकुमारी देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, सोने का हिरन। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने पिता श्री के पास जाना चाहती हूँ। राजकुमारी कौन है आप? मैं आपको बचाने आया हूँ। राक्षसनी का पुत्र दानव, वो जब आपके पास आएगा तो आप कैसे भी करके पता लगाइएगा उन लोगों का जीवन शक्ति कहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। मैं यही पे छिपा हुआ हूँ। राजकुमारी, इस नाग पंचमी के दिन हम दोनों का विवाह तय हुआ है। सच में? तुम खुश हो ना राजकुमारी? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन डर लगता है तुम्हें मार के दूसरे राक्षस मुझे खा लिए तो। हाँ, मुझे और मेरे माता श्री को मरना इतना आसान नहीं है। मेरी माता श्री और मेरा जीवन एक जलाशय के अंदर संदूक में है। कहाँ है सोने का संदूक? दक्षिण दिशा में जलाशय के नीचे पाताल में एक सोने के संदूक में हम दोनों का प्राण है। मैं अब चलता हूँ राजकुमारी। जल्दी आइएगा। तुम चिंता मत करो। राजकुमारी मैं जा रहा हूँ। उसके बाद राजकुमार जलाशय की ओर पाताल में रवाना हो गए। ओ रहा सोने का संदूक। महाराज, क्या आपको ये नहीं लगता कि राजकुमार सूर्य प्रचंडा और उसके पुत्र को राजकुमार उन दोनों का बात करके गुनाह किए हैं? राजकुमारी दानव के साथ छल की थी और प्रचंडा ने भी राजकुमारी को अगवा की थी अपने स्वार्थ के लिए। इसीलिए राजकुमार ने प्रचंडा और उसके पुत्र का हत्या करके कोई गुनाह नहीं किया है। पुण्यपुर नगर में एक बल्लभ नाम का राजा था। मंत्री सत्य प्रकाश के ऊपर अपने सारे जिम्मेदारी देकर आराम से रहने लगे। वाह, यह चित्र तो बहुत ही सुंदर है देखने में। चित्रकार, इसकी कीमत क्या है? केवल 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। महामंत्री। आदेश महाराज। चित्रकार को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दिया जाए। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं? अगर इसी तरह चलता रहा महाराज तो पूरा राज्य शून्य हो जाएगा। इसके अलावा पूरे महल में बहुत सारे तस्वीरें हैं, इस तस्वीर को लेकर क्या करेंगे? नया महल बनाओ, वहीं पे यह तस्वीर रहेगा। ठीक है महाराज। दिन पे दिन आपका तबीयत बिगड़ता ही जा रहा है। सारी घटना अपनी पत्नी के सामने रखा। मंत्री की बात सुनकर उनकी पत्नी बोली, आप राजा के पास जाके छुट्टी मांग लीजिए, हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, आपकी तबीयत मन दोनों ठीक हो जाएगा। इसके बाद पत्नी की बात सुनकर महामंत्री राजा से छुट्टी लेकर तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े। ये तीर्थ वो तीर्थ घूमने के बाद पहुँचे रामेश्वर। अब आपकी तबीयत कैसा लग रहा है? शहद भी ठीक हो गया और मन भी। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है?
ये क्या? ये तो बहुत अजीब घटना है। राज्य लौट के अभी जाकर महाराज को बताना पड़ेगा। आप ठीक से देखे हैं ना महामंत्री? विश्वास नहीं है तो आप खुद जाकर देख लें। ठीक है, मैं जरूर जाऊं। आश्चर्य, इसका पता मैं लगाऊंगा। कौन हो तुम सुंदरी? मैं गंधर्व राजा की कन्या हूँ, रत्न मंजूरी। लेकिन आप कौन हैं? मैं पुण्यपुर का राजा पल्लव हूँ। क्या रूप है तुम्हारा? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उससे पहले मुझे अभिशाप से मुक्त करना होगा। श्राप? कैसा अभिशाप? मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उनके भोजन के समय मैं उपस्थित नहीं रहती थी तो उनका भोजन सम्पन्न नहीं होता था। लेकिन एक दिन ये क्या? रत्न मंजूरी कहाँ है? वो बगीचे में है, अपने सखी के साथ खेल रही है। क्या उसकी ये मजाल? बुला कर लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। मेरे खाने के समय तुम उपस्थित क्यों नहीं थी? पिताजी, सखियों के साथ खेलने में भूल गई थी मैं। तुम्हारी इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी और हर कृष्ण चतुर्थी की रात में तुम्हें एक राक्षस आकर मारेगा। दया कीजिए पिताजी, मुझ पे दया कीजिए, अपनी पुत्री को इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। ठीक है, श्राप वापस नहीं ले सकता मैं। अगर एक शक्तिशाली राजा उस राक्षस को मार देगा और उसी दिन तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। आज है कृष्ण चतुर्थी की रात। देखिए देखिए, राक्षस आ रहा है, आप कहीं छुप जाइए। ठीक है सुंदरी, तुम चिंता मत करो। ठीक है। सुंदरी, आज मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न होके मारूंगा। आज मैं अभिशाप से मुक्त हो गई महाराज। मैं अब निश्चिंत होके आपसे विवाह कर सकती हूँ महाराज। ये लीजिए वरमाला। मंजरी, तो चलो हमारे राज्य में। हाँ महाराज, चलिए। महाराज और महारानी, आप दोनों को आपके राज्य का महामंत्री सत्य प्रकाश स्वागत कर रहा है। आइए महाराज, सिंहासन ग्रहण करें। आइए रानी। महामंत्री, राज्य का अवस्था कैसा है? लक्ष्मी की कृपा से अच्छा है। ठीक है, अच्छा है। महामंत्री, हमारे विवाह के खुशी में राज्य के सारे प्रजाओं को 100-100 मुद्राएं दान किए जाएं। यह मेरा आदेश है। क्या 100-100 स्वर्ण मुद्राएं? अच्छा महाराज, बोलिए तो, महामंत्री का प्राण त्याग का कारण क्या था? मंत्री यह सोचने लगे कि राजा अपने ही सुख में मगन है। इस तरह 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दान करने से पूरा राजमहल शून्य हो जाएगा। इस तरह अर्थ बिना राज्य कमजोर हो जाएगा और कभी भी ध्वंस हो सकता है। यही सब चिंता के कारण मंत्री की मृत्यु हो गई। गिरिपथ देश का एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य के राजा थे चंद्रसेन और रानी भद्रा देवी। राजा और रानी अपने प्रजाओं के प्रति बहुत भावुक थे।
लेकिन प्रजा राजा और रानी से बहुत रुष्ट थे क्योंकि राजा निसंतान था। माँ मुझ पर कृपया करो, कृपया करके इस राज्य में एक कुलदीपक दे माँ। राजा तुम्हारे पूजा से मैं संतुष्ट हुई। सुनो, नगर के पास के मंदिर में एक सन्यासी आए हैं, तुम लोग जाके उनसे मिलो, वो तुम लोगों की सारी समस्या का समाधान करेंगे। सुबह होते ही राजा और रानी दोनों जाकर सन्यासी से मिले। महाराज, संतान तो आपको मिलेगा ही, उसके लिए आपको आवश्यकता है एक दिव्य अम्बल का। वो कहाँ मिलेगा सन्यासी जी? सही पता मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन सुना हो कि पश्चिम दिशा की ओर जाने से ये दिव्य अम्बल मिल सकता है, लेकिन फल लाना पड़ेगा तुम्हारे किसी प्रजा को। सुनो सुनो सुनो, एक सन्यासी के बातों के अनुसार महारानी अगर दिव्य अम्बल को खाएंगी तो उन्हें संतान प्राप्त हो सकता है, लेकिन उस दिव्य अम्बल को लाने के लिए हमारे राज्य की किसी प्रजा को जाना पड़ेगा। जो जाना चाहता है वो राजा से आके मिले। प्रणाम महाराज, मैं रानी माँ को दिव्य अम्बल लाके दे सकता हूँ, लेकिन वो फल कहाँ मिलेगा बता देते तो। ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ सुना हो कि पश्चिम दिशा की ओर जाने से वह दिव्य फल मिल सकता है। मैं चलता हूँ, प्रणाम। प्रणाम चाचा जी। कौन हो तुम, क्यों आए हो तुम यहाँ? जी मैं जात का वेद हूँ, मैं आया हूँ उदयगिरी राज्य से अपने राज्य की महारानी के लिए। मैं एक दिव्य आम फल लेने आया हूँ, वो आम फल सेवन करने से हमारी महारानी पुत्र लाभ करेंगी। उस दिव्य आम फल का पता बता सकते हैं? उस दिव्य आम फल के बारे में मैं भी सुना हूँ, और ये भी सुना हूँ कि असंभव कार्य को संभव कर देता है। मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये दिव्य अम्फल मुझे नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। यहाँ से तुम पश्चिम दिशा की ओर जाओ, समुन्दर के किनारे एक जलकन्या विश्राम कर रही होगी, उसे तुम जाके पूछना। जब तक वो ना बता दे तब तक तुम उस कन्या को नहीं छोड़ना, ठीक है बच्चा? ठीक है चाचा जी, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, वो रही जलपरी। छोड़ो छोड़ो मुझे। दिव्य अम्फल का पता बताओ, तभी मैं छोड़ूंगा तुम्हें। फल के बारे में तू पूछ रहा है, उससे पहले मैं तुझे निगल जाऊंगी। दुष्ट इंसान, एक कन्या के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है तुझे नहीं पता है? हाँ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी मैं छोड़ूंगा। बोलो क्या पूछना चाहते हो? दिव्य अम्फल कहाँ मिलेगा? समुद्र के अंदर एक दीप है, उसी दीप में एक आम का पेड़ है, उसी आम के पेड़ को दिव्य आम फल कहा जाता है। लेकिन मैं समुंदर के दीप में कैसे जाऊंगा? तुम इस नाव में बैठो, ये तुम्हें ले जाएगा। नाव में बैठकर समुंदर के दीप में जाकर वो दिव्य अम्फल समुंदर में ढूंढ लिया, लेकिन ये क्या, नाव कहाँ चला गया?
उस नाव की अब कोई जरूरत नहीं। ये क्या, राजा के पास मैं कैसे जाऊंगा? इस फल का नाम है दिव्य फल। इस फल के सहायता से तुम जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हो। तो हे दिव्य आम फल, तुम मुझे मेरे राजा के पास ले चलो। महाराज ये लीजिए दिव्य आम फल। अब मैं चलता हूँ, प्रणाम महाराज। कहाँ जाओगे बैद, मेरे पास बैठो, आज से तुम हमारे साथ रहोगे और मेरा आधा राज्य तुम संभालोगे। महाराज, राजा की उबेद को अपने पास बिठाया और अपना आधा राज्य क्यों सौंप दिया? बेतल, कारण यह है कि राजा का कोई संतान नहीं था और सन्यासी के बातों के अनुसार रानी दिव्य अम्फल खाती तो उन्हें संतान प्राप्त होता, लेकिन वो फल किसी प्रजा को लाना था, इसीलिए वेद उसे लाने गया था। वेद के वजह से राजा को संतान प्राप्त हुआ, इसीलिए राजा ने वेद को राज्य का आधा हिस्सा दे दिया। समझे तुम बेताल? Oh,